ये हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ की साफ़ सफाई के लिए, यहाँ का इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ एक इन्वायरमेंटल प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक। उसमें एक एस्पेक्ट ये भी था कि प्रॉपर सैनिटेशन टाउन का किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो इस बार जो हमने इन्वायरमेंटल प्लान यहाँ डिस्ट्रिक्ट का भेजा है, उसमें ये कंपोनेंट यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके चेयरमैन साहब आरिफ साहब और उनकी टीम पूरी, काउंसलर्स साथ में सारे, और ईओ साहब, इनकी कोशिशों के वजह से, इनकी मेहनत से इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ एक प्राइवेट तरीके से सैनिटेशन का यहाँ काम जो होगा ये आउटसोर्स किया गया है। इसमें आज नेशनल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये 7.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है, जिसमें महीने का कॉन्ट्रैक्ट है वो, जिसमें प्राइवेट तरीके से, जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा या किसी और कॉरपोरेशन में, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा हैंडीकैप जो था आरिफ साहब के पास, मैन पावर नहीं। हम रोज़ इस पर डिस्कस करते थे कि शहर का नक्शा कैसे बदला जाए, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की साफ़ सफाई, तो ये एक हैंडीकैप लगता था कि इनके पास मैन पावर जो थी वो कम थी, इसलिए उसको पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए ये आउटसोर्स किया गया है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो पुराने हमारे सफाई कर्मचारी हैं सरकारी वो काम नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे, और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइवेट के लोग भी साथ साथ विजाविज रहेंगे। तो इसमें मेरी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से आरिफ साहब और उनके काउंसलर्स जितने यहाँ टीम है, ईओ साहब, पूरे म्यूनसिपलिटी को इनको मुबारक है कि इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का आज शुरुआत यहाँ से की। और इस ज़िला के अंदर जो कोऑपरेशन अभी तक पब्लिक की तरफ से मिला है वो काबिले तारीफ़ है, और पूरी आवाम जो कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रही है आगे, कोरोना की जंग भी साथ साथ लड़ रहे हैं, इनके कोऑपरेशन से, कोशिश से पब्लिक के आज पॉजिटिव रेट जो है कम आया है। आज लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो रिलैक्स की गई हैं, ऑड इवन के हिसाब से लोग अपना दुकानें खोलें। मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन 100% कराएं, ऑड इवन के फार्मूले को अडॉप्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, बाकी आपके डेवलपमेंट के जो काम हैं वो साथ साथ हम उसमें कोई कमी आने नहीं देंगे, वो चलते जा रहे हैं। जैसे आज ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट की साफ़ सफाई के लिए ये यहाँ से शुरू हुआ, मैं कोशिश करूँगा कि और अर्बन एरिया में भी इसी तरीके से, इसी पैटर्न से वहाँ भी ये शुरू किया जाए। आप लोगों ने बहुत ताउन दिया इस सिटी को और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, वाइट सिटी जब हमने ऐलान किया था, पब्लिक ने बहुत कोऑपरेट किया और पब्लिक ने इसमें बहुत प्रोग्रेस की है। मैं वो भी चाहूँगा कि पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी अगर कोई रह गया है वो भी मुकम्मल करें, और अब ये डोर टू डोर इसमें जो गार्बेज होगा वो ये कलेक्ट करेंगे। मंथली लोगों को नॉमिनल से पैसे इनको देने पड़ेंगे, और बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है कि आप आएंगे, ये नॉक करेंगे और आपके घर से ही उठाएंगे, उसकी सेग्रीगेशन कराएंगे, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट लगना है उसकी लैंड आइडेंटिफाई कर दी है, वो भी पाइपलाइन में है, वो भी उसके कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो भी बनेगा। तो मैं एक बार फिर सब लोगों को मुबारकबाद। सर, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा शहर में, इससे सफाई में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, आज पहला दिन इनॉग्रेट किया है, ये रिज़ल्ट आप देखेंगे 5-7 दिन के अंदर, हम दोबारा बैठेंगे, रिव्यू करेंगे, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सर, सिर्फ 8 ही वार्ड लिए गए हैं, सिटी के जो वार्ड हैं वो नहीं लिए गए? हमने पहले 8 में तो देखें, पहले अगर पूरा खिलाड़ डालेंगे पहले ही दिन, तो 8 में हम इसमें देखेंगे, इस पर हम सीखेंगे, कमी पेशी जो होगी तो वो आगे वाले दूसरे वाले वार्ड में भी इनको लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। देखिए कि रजौरी अभी म्यूनसिपल कमेटी नहीं, म्यूनसिपल काउंसिल बन चुकी है। रजौरी में पहले जिस जगह 7 वार्ड हुआ करते थे, नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, उसके बाद 13 वार्ड का 2005 में इलेक्शन हुआ, और उसके बाद अभी हमारे 17 वार्ड हो गए। 17 वार्ड में अभी हमारे पास इतने लोग नहीं थे कि हम लोग पूरी रजौरी को इस ढंग से साफ सुथरा कर देते, इतने मुलाजिम हमारे पास नहीं थे। तो इसमें जो नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है
उसको ये टेंडर दे के 8 वार्ड को हमने जो है प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट वो दे दिया। इन 8 वार्ड में जो हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम काम करते थे उनको हम ओल्ड सिटी में ले जाएंगे ताकि हमारा उस और भी काम ज़्यादा अच्छा हो जाए और इस और भी हो जाए, और जो कमी पेशियाँ होंगी उसको दूर करते हुए पूरी रजौरी को हम ऐसे आउटसोर्स करके इसको साफ सुथरा और डंपलेस करेंगे, ये हमारा वादा है। मैं कहूँगा कि रजौरी के इतिहास में ये म्यूनसिपलिटी का बहुत बड़ा एक कदम है। पिछले दिनों हम बैठे वहाँ, हमने काउंसिल में बैठ के एक डिसीजन लिया कि रजौरी की सफाई जो है, क्योंकि एक पहाड़ पे है, गलियों में है, यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, लोग दिन भर कूड़ा बाहर फेंकते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी काम करते भी थे, उसके बावजूद भी हमारी सफाई शहर की नहीं रह पाती थी, नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास सफाई कर्मचारियों की भी कमी थी, इसलिए काउंसिल ने एक फैसला किया कि आधे वार्ड, 17 वार्ड हैं, 8 वार्डों को आज हमने आउटसोर्स किया है, जो प्राइवेट फर्म है उसने ठेका लिया, वो आके इन 8 वार्डों की सफाई करेगा। जो बाकी 9 वार्ड हैं वहाँ जो सारा हमारा अपना स्वीपर है जो इन 8 वार्डों से भी फ्री होगा, वो उन 9 वार्डों में लगाया जाएगा ताकि उन 9 वार्डों की भी अच्छे से सफाई हो और इनमें ये जो है आउटसोर्स किया गया, इससे अच्छे से सफाई हो। अब किसी को गंद फेंकने की ज़रूरत नहीं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सुबह सफाई कर्मचारी उसका गेट नॉक करेगा और उसने जो अपना डस्टबिन है उस गेट पे आके छोड़ना है, अपनी आदत को बदलें ताकि ये हमारा जो शहर है ये साफ़ सुथरा हो पाए। मैं पूरी म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली म्यूनसिपल काउंसिल है जिसने आउटसोर्स करके सफाई की तरफ इतना बड़ा ध्यान दिया है। राजेंद्र जी, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार आपकी भी यही कोशिश है कि लगातार सफाई की जाए, और लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोगों का सहयोग करें ताकि सफाई में अहम रोल निभाया जाए? मैं कहूँगा कि जितना ज़रूरी हमें अपने गेट के अंदर अपना घर साफ रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारी गली भी है, क्योंकि गली का गंध हम अपने पाँव के साथ पूरा अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। घर के अंदर सफाई रखेंगे, गली में कूड़ा होगा, गली की सारी गंदगी हम अपने घरों में लेके जाएंगे, इसलिए जितना घर साफ रखना उतनी गली भी हमको साफ रखनी है। ये शहर हमारा है, यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ हम बड़े पले, इसलिए हमारा कुछ ना कुछ फर्ज है शहर के प्रति। मेरा सब लोगों से निवेदन है कि अपना घर में एक एक डस्टबिन लगाएं, वो डस्टबिन सुबह आपका जो है हमारा सफाई कर्मचारी आएगा उठाएगा, उसको दें, गली में ना फेंके, फिर उसको कुत्ता मुंह मारता है, उसको गाय मुंह मारती है और पूरा दिन जो है घर में गली में कूड़ा करकट पड़ा रहता है। और एक बार सफाई होने के बाद कृपा करके दोबारा जो है गंदगी गली में ना डालें, अपने डस्टबिन में डालें, सुबह दूसरे दिन जो है दें, ताकि हमारा जो शहर है इसमें हमने रहना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों ने रहना है, इसको हमने साफ सुथरा। राजेंद्र जी, ये कितने पर मंथ एक जो घर वाला है उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ये ऐसे है कि फिलहाल हमने जो उसका बनाया है, ये हमने कोई 7,46,000 रुपये का कंट्रैक्ट इन 8 वार्डों का दिया है, जिस प्राइवेट फर्म को दिया है। हम नॉमिनल सा चार्ज घर वालों से लेंगे, बाकी का वियर जो है वो म्यूनसिपलिटी करेंगे, वो हम बना लेंगे कि कितना नॉमिनल सा चार्ज कितने घर पड़ते हैं, नॉमिनल सा चार्ज, ताकि लोगों पे भी ज्यादा लोड ना पड़े और म्यूनसिपलिटी भी ना पड़े, इस शहर की सफाई अच्छे से हो जाए। हमारा टारगेट है सफाई, ना के पैसे, सफाई अच्छे से हो जाए, हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बीमार लोगों को एक स्वच्छ वातावरण दे पाए, वो उसकी तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है। बाकी इसमें जो अड़चने आएंगे हम बैठ के म्यूनसिपलिटी जो है टाइम टू टाइम उसको ठीक करती जाए। हमारा जो एक एनजीओ का ये जो प्रोसेस है, हम ऑलरेडी जम्मू में काम कर रहे हैं 8 वार्ड्स में, जो वहाँ पे भी हमारे पास 200 और समथिंग एम्प्लॉइज ऑलरेडी वहाँ पे पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी तक का जो हमारा वहाँ का जो सफ़र है वो बेस्ट है, और वहाँ पे हमने जितने भी काम किए हैं वो अभी तक के सक्सेसफुल काम पे आते हैं। तो जिस तरह हमें एक खुश, सबसे पहली बात है कि हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम लोकल होने के बावजूद हमने जो ये काम स्टार्ट किया आज रजौरी में, जिसकी दौरान हमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कॉपरेशन मिली, जनाब जो हमारे आर जी साहब प्रेजिडेंट साहब हैं, अपने मार्ग साहब हैं, और जहाँ पे जितने भी काउंसलर हैं हमारे, उनका एक अच्छा स्टेप है जोड़ेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि हम आने वाले टाइम में मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, दिल्ली में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं, और ये हमारी सबसे बेस्ट एक कोशिश रहेगी। हम ये चाहेंगे कि रजौरी के अंदर आने वाले टाइम में 15 साल 20 साल में बेस्ट कंटिन्यू ये काम चलता रहे। और लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि ये काउंसलर साहिबान जितने भी हैं हमारे, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जनाब आप भी एक अच्छी कॉपरेशन आपकी तरफ से भी हमें मिलेगी, और हमें ये बेस्ट रहेगा कि हम इस प्रोजेक्ट को आने वाले काफ़ी समय तक लेकर घूमने के साथ जाएंगे। तो लिहाजा ये है कि आपकी जी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी ने आज इस काम की शुरुआत की है, उसके हवाले से सबसे पहला मैं अपने जिला के तरक्याती कमिश्नर जनाब श्री रजेश कुमार चमन जी का पूरी काउंसिल के बिहाफ पे दिल की उम्मीद गहराइयों से हम यहाँ पे उनके मशहूर हैं
कि उन्होंने हमेशा और हर वक्त हमारे पूरे ज़िला के लिए और खासकर हमारी अर्बन जो हमारे टाउन है उनके लिए बहुत सारे अच्छे विजन दिए, बहुत सारी अच्छी प्लान किए और आज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यहाँ पे टेंडर हुआ था, इनको जो हमारा सैनिटेशन का जो काम है वो मिला है, इसके लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पहला दिन है कि हमने ये जो काम है इनके हवाले इन आठ वार्ड का किया है। इसमें जो हमने जो टेंडर रखा था वो 25,000 रुपये पर डे का था और गालबन ये 7.5 लाख रुपये महीने का बनता था, जिसमें इनका 7,44,500 रुपया जो है वो इनको महीने का हमने पे करना है। और इसमें जो काम है वो हमारे रोड्स की जो स्वीपिंग ऑफ रोड्स है, लैंड क्लीनिंग है, बुश कटिंग जो रोडों के साइड्स पे होता है वो है, अपने डोर टू डोर कलेक्शन है इनके जो शहरी पैनल्स में कि ड्राई कैसे है, वेट कैसे है, और जो ट्रांसपोर्टेशन इसमें इस्तेमाल होगी वो भी इसी जो फर्ज का वो रहेगा। और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे पहले जो हमारे यहाँ पे लोग काम करते थे वो यहाँ से हम फ्री करेंगे और वो सारे वर्कर जो हमारी सिटी की 9 बाकी वार्ड थे नया बाजार की वहाँ पे रिक्रूट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमारे पेरिफेरीज के वार्ड थे वहाँ पे वर्कर हमारे पास अवेल नहीं थे। जैसे जिस साहब ने पहला बायर एक अपना बीजेपी से बात करते हुए उन्होंने पूरी इसका खुलासा किया है कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी शुरू से इस चीज़ को महसूस कर रही है और आज हमें यह बड़ी खुशी होती है कि जब भी हमने अपने इश्यूज अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास और डीसी साहब के पास हमने रखे तो डीसी साहब ने उनको फौरन सीरियसली लिया और उसके लिए चाहे आप यहाँ पे रजौरी के अंदर डिसीजन की बात हो, गवर्नमेंट के पास उनको अपना वहाँ पे उठाने का मसला हो या सेक्रेटरीट में खुद ले जाने का मसला हो, तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स लेके जाते रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के इस स्टेट के हवाले से मैं आपको बताऊँ, अगर कि मैंने एक इनके आते ही पहले दूसरे ही हफ्ते में साहब को अपनी बस स्टैंड की पोजीशन के बारे में इनको जानकारी दी तो दो दिन बाद साहब जब अगले हफ्ते फोन करते हैं जम्मू में तो सेक्रेटरीट में फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाके वहाँ से मुझे फोन आया, साहब खुद अपने नंबर से बात करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मसला 2019 से लगातार हम इस पर पूरी रजौरी के लोग हमारे यहाँ के काउंसिलर्स काउंसिल लगातार इसको हर स्टेट में फोन चढ़ा रही है, लेकिन डीसी साहब के साथ हमने जो ही इसको किया है उठाया है और डीसी साहब सेक्रेट में अगर गए हैं तो इनको हमारे रजौरी का ये काम भी याद रहा है। हम इसलिए हमें ये पूरी उम्मीद है कि रजौरी के अंदर जितने भी बदलाव हम करना चाहते हैं या यहाँ के लोग करना चाहते हैं या पॉलिटिकल सेटअप करवाना चाहता है तो हमारे पास एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह की सारी प्लानिंग हमारी कामयाब रहेगी। ये जो आठ वार्ड है ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है और यहाँ पे आए दिन हमने कोशिश की, म्यूनसिपलिटी ने हमारे वर्कर्स ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लगता था कि शायद जो सैनिटेशन 21वीं सदी में हमें इस इलाके को देनी चाहिए। आपका यहाँ पे मास्टर प्लान नहीं है टाउन का, कल हम मैंने और आलिफ साहब ने ये भी बात की कि इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि आपका मास्टर प्लान यहाँ का जल्द अज जल्द बने। यहाँ के टूरिज्म के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का टूरिज्म का प्लान ज़िले का एक अलग से बनाया जाए। आरिफ साहब और उनकी टीम पूरी, वाइस चेयरमैन साहब, काउंसलर्स, बूटा जीरा और ईओ साहब इनके साथ, इनकी कोशिशों से ये यूनिक प्रोजेक्ट रजौरी में आज शुरू हुआ। हम कोशिश करेंगे कि ये बाकी अर्बन एरियाज में भी इसी तरीके से ये काफ़ी करता वहाँ भी शुरू हो। आपने देखा होगा कि 4 महीने के अंदर पब्लिक ने जिस तरीके से कोऑपरेट किया है और साथ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ के मुझे शहरी यहाँ का यूथ गर्ल्स बॉयज सब लोगों ने मिल के भी प्रोग्रेस के डेवलपमेंट के लिए कोशिश की है। जो इनको वाइट सिटी बनाने का जब फैसला किया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनके गर्ल्स और लेडीज ने कुछ फोटोग्राफ भेजे जो खुद वाइट अपने दुकानों को या अपने घरों को वाइट पेंट कर रहे थे, मुझे फोटोग्राफ आए। आप सब लोग मिलके जैसे कर रहे हो इसको आगे ले जाना है और यहाँ गवर्नमेंट हमने जोड़ी में करनी है। अच्छा माहौल यहाँ बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। कोविड के टाइम में
सबसे बड़ी चैलेंज है कि इस जंग से जीतना है, परहेज रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन इंजेक्शन 100% लोगों ने, सब लोगों ने इंजेक्शन करवाने हैं। मेरा यही होगा कि म्यूनसिपल को आप कमेटी में जो लोग हैं 18 से और 45 में सबसे पहले इनकी वैक्सीनेशन हमारे साथ आप इनका स्पेशल साइट हम क्रिएट करेंगे कल। आप कोशिश करोगे साहब कि म्यूनसिपलिटी के मुलाजम 100% सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनको होगी, क्योंकि ये कंटेक्ट में आते हैं, ये घर घर जाएंगे, काम करेंगे गली में, इनकी वैक्सीनेशन चाहे इम्प्लाइज हैं चाहे प्राइवेट फॉर्म वाली है फॉर्मल है, इनका वैक्सीनेशन आप करवाओ। आज नेशनल डेवलपमेंट जो आपका ये NGO ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये लोकल है डिस्ट्रिक्ट से और इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लोकल होने के नाते इनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी और ज़्यादा